ये साल 1918 के आसपास का समय था। एक राजा अपनी रियासत के दलित चाय वाले की दुकान पर चाय पीने पहुंचा था। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में ऐसा करना किसी क्रांति से कम ना था। उस राजा का नाम था छत्रपति शाहूजी महाराज। कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहूजी ने अपने दलित सेवक गंगाराम कामले से पूछा, तुमने अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा? इस पर कामले ने कहा, महाराज दुकान के बाहर दुकानदार का नाम हो जाते लिखना कोई जरूरी तो नहीं। शाहूजी महाराज ने इस पर चुटकी ली, ऐसा लगता है कि तुमने पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। इस चाय की दुकान के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल गंगाराम शाहूजी महाराज के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर में रहते थे। एक बार राजमहल के भीतर बने तालाब के पास एक मराठा सैनिक संताराम और ऊंची जाति के कुछ लोगों ने गंगाराम कामले को बुरी तरह पीटा। उनका कहना था कि दलित गंगाराम ने तालाब का पानी छूकर उसे अपवित्र कर दिया था। उस वक्त शाहूजी महाराज कोल्हापुर में नहीं थे। जब वे लौट कर आए तो गंगाराम ने रोते रोते अपनी पूरी बात उन्हें बताई। इस पर शाहूजी महाराज बहुत नाराज हुए और उन्होंने संताराम को घोड़े की चाबुक से पीटा और उनको नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने गंगाराम से कहा कि मुझे दुख है कि मेरे राजमहल के भीतर ऐसी घटना हुई। उन्होंने गंगाराम कामले से कहा कि तुम्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। इसके बाद शाहूजी महाराज ने उन्हें पैसे दिए जिससे चाय की दुकान की शुरुआत हुई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। गंगाराम कामले ने अपनी दुकान का नाम सत्य सुधारक रखा। उनकी दुकान की सफाई और चाय का स्वाद बेहतरीन था, लेकिन उच्च जाति के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। वे बहुत नाराज थे कि एक दलित कैसे चाय पिला रहा है। जब ये बात शाहूजी महाराज को पता चली तो उन्होंने खुद चाय पीकर इस धारणा को चुनौती देने का फैसला किया। शाहूजी अच्छी तरह से समझते थे कि समाज आदेशों से नहीं बल्कि संदेशों और ठोस पहल से बदलता है। शाहूजी महाराज न सिर्फ खुद चाय पीते बल्कि उच्च जाति के अपने कर्मचारियों को भी वही चाय पिलाते। अब किसकी मजाल की राजा को ना कह दे। 26 जून 1874 को पैदा हुए शाहूजी कोई मामूली राजा नहीं थे बल्कि महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। कामले की दुकान पर महाराजा के चाय पीने की खबर कोल्हापुर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। महाराजा ने भारी भीड़ की मौजूदगी में कामले की चाय का आनंद लिया। उनमें से कई लोगों को शायद मालूम नहीं था कि चाय की दुकान खोलने के लिए कामले को शाहूजी ने ही पैसे दिए थे। चाय पीने के बाद महाराजा ने गंगाराम कामले से कहा कि सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि सोडा बनाने की मशीन भी खरीद लो। शाहूजी महाराज ने कामले को सोडा मशीन खरीदने के लिए भी पैसे दिए। उस समय जातिवाद और भेदभाव देश के अन्य हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी अपने चरम पर था, लेकिन शाहूजी महाराज ने सामाजिक बुराई से निपटने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि काम करके मिसाल कायम की। ऐसे महान सामाजिक योद्धा और बहुजन नायक छत्रपति शाहूजी महाराज को द शूद्र सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।